बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार ज्योतिरादित्य सिंधिया को विरासत में करोड़ों की संपत्ति मिली है। उनके पास बैंक में भी करोड़ों रुपए की नकदी जमा है, मगर उनकी जेब में कैश इन हैंड मात्र 25,000 रुपए ही है। पिछले साल गुना वे लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के दौरान दायर हलफनामे और अब राज्यसभा नामांकन के दौरान घोषित की गई संपत्ति से पता चलता है कि सिंधिया की संपत्ति और सालाना कमाई में पिछले 11 महीनों में इजाफा हुआ है। सिंधिया की कमाई हर साल बढ़ रही है। ग्वालियर के सिंधिया राजघराने से आने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में आए हैं। राज्यसभा के नामांकन के साथ भरे हलफनामे के अनुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया की वार्षिक कमाई बता दें आपको कि 1,57,48,100 रुपए है। इसके अलावा उनकी पत्नी प्रियदर्शनी ने 4,75,240 रुपए, जबकि बेटे ने 2,07,510 रुपए की कमाई दिखाई है। लोकसभा चुनाव के दौरान सिंधिया ने 1,51,56,720 रुपए की वार्षिक कमाई दिखाई थी। अगर बैंक में जमा नकदी को हटाकर देखें तो सिंधिया के पास महज 25,000 और पत्नी प्रियदर्शनी के पास 20,000 की नकदी मौजूद है। सिंधिया की कुल चल संपत्ति बता दें आपको कि 3,59,31,900 रुपए की है। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान सिंधिया ने अपनी चल संपत्ति 3,33,39,827 रुपए दिखाई थी। इस प्रकार 2019 के मुकाबले 2020 में सिंधिया की चल संपत्ति में 25,92,000 रुपए का इजाफा हुआ है। सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव के हलफनामे में पैतृक चल संपत्ति 45,24,00,000 रुपए बताई है। सिंधिया के पास कुल पैतृक अचल संपत्ति 2,97,00,000 रुपए की है। सिंधिया के पास 1,81,00,000 रुपए की पैतृक कृषि योग्य भूमि भी है। ज्योतिरादित्य ने विभिन्न बैंकों में बताते चले आपको कि अचल संपत्ति की बात करें तो सिंधिया का ग्वालियर स्थित आलिशान जयविलास महल 40 एकड़ भूभाग में फैला है, जिसकी कीमत उन्होंने करीब 1,80,00,000 रुपए दिखाई है। अन्य आवासीय संपत्ति की बात करें तो उनके पास रानी महल, हीरावन कोठी, रैकेट कोर्ट, शांति निकेतन, विजय भवन सहित 1 दर्जन प्रॉपर्टी है। इन अचल संपत्तियों की कीमत 2,97,00,000 रुपए है। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।